आप लोगों को पता ही होगा शाम इदरीस की और डकी की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, और जिन लोगों को नहीं पता उनको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ये जो कंट्रोवर्सी है इसकी जो स्टार्टिंग है वो कोई साल डेढ़ साल पहले हुई थी। डकी ने एक वीडियो बनाई थी, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर है जो रोस्टिंग करता है लोगों की, तो इसने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इसने रोस्ट किया था शाम इदरीस को, और तब शाम इदरीस को इसकी जो रोस्टिंग थी आई गेस बुरी लगी थी, तब ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। और तब शाम इदरीस और जो फ्रॉगी उसके साथ होती है उसने डकी को टाइनी यूट्यूबर कहा था, वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी और होते होते आज इस जगह पे पहुँच गई जहाँ पे अब आप देख रहे हैं इसको। शुरू में तो इसमें शाम और डकी थे इस कॉन्ट्रोवर्सी में, लेकिन अब काफ़ी और फेमस यूट्यूबर्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं किसी ना किसी तरह, सब ने इसके बारे में वीडियोज़ बनाई हैं। कुछ लोग डकी की साइड पे हैं और कुछ बहुत थोड़े लोग शाम की साइड पे हैं। तो अब ये कंट्रोवर्सी अजीब हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में वीडियोस बनाई हैं, जैद अली ने, शावीर ने, रहीम परदेसी ने, और भी काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाई हैं और उन्होंने बताया है डकी के साथ मिलकर कोलैब भी किया है। वैसे भी सब ने अपने चैनल्स पर वीडियोज़ बनाई हैं कि किस तरह शाम ने उनको यूज़ किया अपनी वीडियोज़ में, किस तरह फ़ायदा उठाया और अपनी वीडियोज़ बनाई और सब्सक्राइबर्स गेन किए, सब कुछ आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा तो आप इन लोगों के चैनल्स पर जाके वीडियोस देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इस कंट्रोवर्सी में क्या ठीक है क्या गलत है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, और कौन हमें क्या बता रहा है उस बात पे हमें यकीन करना चाहिए कि नहीं। बज़ाहिर तो देखने में यही लगता है कि शाम इदरीस की गलती है, उसने सब कुछ ऐसे किया है, और जो सब लोग डकी की साइड पर उनका भी यही कहना है, और जिन लोगों ने इसके साथ कोलैब में वीडियोज़ बनाई उनका भी यही कहना है कि शाम ने उनको किसी ना किसी तरह यूज़ किया अपनी वीडियोस में और यूज़ करके फिर बाद में निकाल दिया। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर इस तरह का कोई मसला इनका हुआ भी था और उनमें से कोई एक अगर शाम ने पब्लिकली आके कुछ कह भी दिया था, तो ये लोग बगैर पब्लिकली वीडियोस बनाए इस कॉन्ट्रोवर्सी को ख़त्म कर सकते थे। लेकिन सब ने वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी, और जहाँ तक मुझे नज़र आता है पिछले कोई दो तीन महीनों के अंदर जब ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, इन सब के चैनल्स पे इन सबको इतने इतने व्यूज़ मिले हैं जो पिछले कुछ अरसे में नहीं मिल रहे थे। हाँ, डकी का चैनल पिछले कुछ अरसे में ग्रो कर गया है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके अलावा इनकी जो फ़नी वीडियोस थी, जो ये वाइंस वगैरह बनाते थे, बाकी उस तरह के व्यूज़ नहीं आ रहे थे जो आज से एक दो साल पहले आते थे। लेकिन पिछले दो सालों में अगर आप इनकी वीडियोज़ को जाके व्यूज़ देखें तो बहुत ज़्यादा हैं सबके। हुआ तो सबको फ़ायदा है, वो शाम हो, शामीर हो, शाहवीर हो, जैद अली हो, बाकी कोई भी हो, रहीम परदेसी हो, डकी हो, इन सबको इस चीज़ का फ़ायदा हुआ। पहली बात तो ये है कि इन लोगों को पब्लिकली ये चीज़ करनी नहीं चाहिए थी अगर ये सीरियसली इस इशू को ख़त्म करना चाहते थे। सबसे पहले डकी ने कहा है कि शाम ने मेरी फैमिली को इस चीज़ में इन्वॉल्व कर लिया और फैमिली को थ्रेटन किया है, वो डकी ने अपनी कॉल भी सुनाई है। अब कुछ अर्से पहले शामीर ने एक वीडियो बनाई है कि डकी ने उसकी फैमिली को थ्रेटन किया, तो इनकी फैमिलीज भी इन्वॉल्व होने लग गई हैं। अच्छी बात नहीं है, अगर आपने अपने अपने तक रखनी थी तो ठीक था, फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो रही हैं। लेकिन फिर वही बात है, इन सबको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिले हैं, सबकी अलग अलग फ़ैन बेस है। पिछले कुछ दिनों से ये लोग अपनी वीडियोस में कह रहे थे कि शाम को अनसब्सक्राइब करें, शाम इदरीस को फॉलो ना करें, लेकिन अगर आप जाके देखेंगे तो उसके फैंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो उसके फैंस हैं वो उसकी साइड पर ही हैं, जो डकी के फैंस हैं वो डकी की साइड पर ही हैं, और इसी तरह बाकी यूट्यूबर्स को किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अलबत्ता इन सबको इस कंट्रोवर्सी का फ़ायदा हुआ है। और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको एक महीना पहले तक पता भी नहीं था कि डकी, शाम इदरीस वगैरह कौन है, और इन बाकी यूट्यूबर्स का भी बिल्कुल नहीं पता था। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेसिक इंटरनेट यूज़ करते हैं, सिर्फ यूट्यूब पे बेसिक बेसिक वीडियोज़ देखनी टेक की, या और फेसबुक यूज़ कर लिया, रोस्टिंग वीडियोज़ और वाइंस वगैरह वो लोग अभी भी नहीं देखते। अगर कभी कोई व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करते तो देख लेते हैं, उनको नाम शाम बिल्कुल किसी का नहीं पता होता है। लेकिन पिछले एक महीने में बहुत से लोगों को डकी का, शाम इदरीस का, शावीर का, शामीर का, जैद अली का पता चला है, और बहुत से नए लोग आए हैं जिन्होंने इनकी वीडियोस देखनी शुरू की हैं। तो अगर आप इनकी पिछले एक महीने की वीडियोस के व्यूज़ देखेंगे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इन सबको इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है। लेकिन अगर आप लोगों ने एक चीज़ और नोट की हो कि जब से वो फ्रॉगी के साथ और शाम इदरीस के साथ प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू हुई है पब्लिकली, तो इन बाकी यूट्यूबर्स ने अब सॉरी सॉरी की वीडियोस बनानी शुरू की हैं। उनको भी पता चल गया कि ये जो इशू है आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, इससे ज़्यादा कि बड़े और कोई बड़ा नुकसान हो उससे पहले पहले अब ये कंट्रोवर्सी को क्लोज करना चाह रहे हैं। और आप देखेंगे और 15 से 20 दिनों के अंदर ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इन लोगों को इस चीज़ को इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल करना ही नहीं चाहिए था। डकी और शाम का प्रॉब्लम था, इन दोनों को ये रिजॉल्व कर लेना चाहिए था, लेकिन बाकी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए और वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी। इन लोगों को एक चीज़ माइंड में रखनी चाहिए थी कि इज्जत देने वाला अल्लाह है, जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है उसको आपको भी इज्जत देनी चाहिए और एक दूसरे की कदर भी करनी चाहिए। और अल्लाह ने आप लोगों सबको इज्जत दी हुई है, तो आप सबको उस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए। एक दूसरे के बारे में वीडियोस बुरी बना के,
इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना और ना इज्जत में कमी आनी है। अल्लाह ने जिसको इज्जत दे के रखनी है उसे इज्जत दे के रखनी है। अब अभी भी देख लें, किसी के फैंस सब्सक्राइबर्स कम नहीं हुए, व्यूज कम नहीं हुए, जो जिसको फॉलो करता था अभी भी करता और उसी की साइड पे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली दफा ये लोग इकट्ठे मिलके यूट्यूब को एज अ फैमिली बना के चलें, इकट्ठे कोलैब्स करें, वीडियोस बनाएं, उस चीज़ का इनको ज़्यादा फायदा होगा। और ख़ास तौर पर मुझे ज़्यादा दुखी होता है जब इंडिया में लोग देखते होंगे कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आपस में किस तरह लड़ रहे हैं, कितना खुश होते होंगे। तो हम लोगों को एक चीज़ रखनी चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, बेशक दूसरे मुल्कों में रहते हैं, कोई पाकिस्तान में, कोई कैनेडा में, कोई अमेरिका में, कोई यूके में, लेकिन हैं तो पाकिस्तानी मुसलमान। तो इकट्ठे भाइयों की तरह रह के भी हर चीज़ अच्छे तरीके से की जा सकती है। तो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ये लोग ख्याल रखेंगे। थैंक यू।